लाइव पर देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बोलेरो ने मारी टक्कर, दुर्घटना में 5 लोग घायल। तुमसर तिरोड़ा मार्ग का निर्माण कार्य शुरू है। निर्माण कार्य की लापरवाही से शुरू होने के कारण चालकों का वाहन चलाना कठिन हो रहा है। पिछले कई महीनों से शुरू दुर्घटनाओं की श्रृंखला रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन होने वाली छोटी मोटी दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हो गए हैं। इसी की शिकायत कहां व किससे करें, इस मार्ग को व्यवस्थित करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वाहन चालक त्रस्त हो गए हैं। इसी तरह की रविवार को दोपहर 3 बजे में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं एक बालक बाल-बाल बच गया है। इन घायलों पर तिरोड़ा ग्रामीण अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गोंदिया रेफर किया गया है। इसके बाद नागरिकों ने चालक को पकड़कर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुख्य अभियंता गूगल जाने वाले थे जामठा। महावितरण के प्रभारी प्रादेशिक संचालक व मुख्य अभियंता दिलीप गूगल को शुक्रवार को जामठा जाना था। इस बारे में उन्होंने ड्राइवर को भी बताया था, लेकिन इसके पहले ही नागपुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू की है। जांच उचित दिशा में करने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। छत से गिरकर बालिका की हुई मौत। खेलते खेलते मां के हाथों से भोजन कर रही 2.5 साल की बालिका की घर की छत से गिरकर मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा बेलतरोड़ी के साकेत नगरी का है। मां बेटी के लिए भोजन लेकर छत पर लौट ही रही थी, तभी यह हादसा हो गया। 24 घंटे के भीतर खेल खेल में बालिका की मृत्यु का यह दूसरा मामला है। शुक्रवार की सुबह कलमना के वैष्णो देवी नगर में टेबल पर रखा टीवी शरीर पर गिरने से 2 वर्षीय प्राप्ति अजय उइके को जान गंवानी पड़ी थी। प्राप्ति घर में खेल रही थी, इसी दौरान टेबल पकड़कर खड़े होने से उस पर रखा टीवी प्राप्ति के शरीर पर गिर गया था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।